इसराइल और हमास के बीच जंग जारी है। इस बीच हमास प्रमुख इस्माइल हानिये की हत्या कर दी गई है। इसराइल ने हमास चीफ इस्माइल हानिये को ढेर कर दिया है। हानिया को मारने के लिए इसराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान को चुना और सुबह सुबह ही हानिया को मार गिराया। एक दिन पहले ही हमास चीफ को ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में देखा गया था और अगले ही दिन सुबह सुबह इसराइल ने हानिया को ढेर कर दिया। हानिया के खात्मे को इसराइल की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि अब तक इसराइल ने खुले तौर पर हमले को अंजाम देने की बात नहीं कबूली है, लेकिन इसराइल में हानिया की मौत के बाद आम लोगों के साथ साथ मंत्रियों ने भी जश्न मनाना शुरू कर दिया है। इसराइल के धरोहर मंत्री अमिचाय एलियाहू वो पहले शख्स हैं जिन्होंने आधिकारिक तौर पर हानिया की मौत पर सबसे पहले अपनी प्रतिक्रिया दी। अमिचाय एलियाहू ने कहा कि दुनिया से गंदगी साफ करने का यही सही तरीका है, कोई समझौता नहीं, कोई दया नहीं। बता दें कि इस्माइल हानिया 2019 से कतर की राजधानी दोहा में रह रहा था। वो ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए तेहरान गया था। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के बयान में हानिया की मौत की पुष्टि भी हो चुकी है। IRGC ने बयान जारी करते हुए कहा कि आज सुबह तेहरान में इस्माइल हानिया के आवास पर हमला किया जिसमें उनकी और उनके एक बॉडीगार्ड की मौत हो गई। हालांकि ये हमला कब और कैसे हुआ इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। IRGC ने बताया कि इसकी जांच की जा रही है। इसी बीच ईरान की न्यूज एजेंसी ने बताया कि देर रात लगभग 2:30 बजे हमला हुआ था। एलियाहू का बयान ऐसे समय में आया जब इसराइल की स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हानिया की हत्या पर कुछ भी बोलने से मंत्रियों को मना किया है। बता दें कि हमास चीफ इस्माइल हानिया मंगलवार यानी 30 जुलाई को ही ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुआ था। इस दौरान हानिया ने ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामेनेई से भी मुलाकात की थी। इसके अगले ही दिन बुधवार यानी कि आज सुबह सुबह इसराइल ने उस घर को ही उड़ा दिया जिसमें इस्माइल हानिया ठहरा हुआ था। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बयान जारी कर कहा कि हमला तेहरान में हानिया के ठिकानों को निशाना बनाकर किया गया जिसमें हमास के साथ साथ उनका एक बॉडीगार्ड भी मारा गया। हमास का मुख्यालय गाजा पट्टी इलाके में है। अब तक हमास की कमान इस्माइल हानिया के हाथों में थी जो उसका चेयरमैन था। उसने 2017 से खालिद मेशाल के उत्तराधिकारी के तौर पर ये काम संभाला था। वो कतर की राजधानी दोहा में रहता था और वहीं से हमास का कामकाज देखता था। दरअसल मिस्र ने उसके गाजा आने जाने पर रोक लगा रखी थी। गौरतलब हो कि 7 अक्टूबर को हमास की तरफ से इसराइल पर हुए हमले के बाद इसराइल ने हमास को खत्म करने की कसम खाई थी। तभी से इसराइल लगातार हमास आतंकियों पर कार्रवाई कर रहा है। हमास के हमले में 1200 इजरायली नागरिकों की मौत हो गई थी और 250 अन्यों को बंधक बना लिया गया था। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।